हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा हमारे ट्रेवर का, तो भाई बहुत ही उल्टा सीधा काम हो गया। उसको कमिश्नर की जॉब से हटा दिया गया, सारे काम उसके साथ गलत हो गए। उसके पीछे पूरे शहर की पुलिस पड़ी है, काला वाले उसको मारना चाहते हैं। तो भाई अभी माइकल दादा आए हैं और उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। तो माइकल सबसे पहले तो जा रहा है भाई एक बंदे से मिलने के लिए जिसका नाम है डेविड। वो हमारे शहर में सभी बंदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब यार बहुत ही अच्छे उसके बॉडीगार्ड है। हमारे ट्रेवर की बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी करेंगे, तो इसलिए मैं डेविड के पास जाता हूं और भाई कुछ बॉडीगार्ड्स ट्रेवर के लिए लेता उसके पास जाकर के। तो भाई ये पहुंचता हूं मैं जगह पे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। तो भाई अगर अब तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेक आउट नहीं किया तो बाद में जाकर के उसको चेक आउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं सुरोज जीटी की वीडियोस डालता हूं और शाम को 5 बजे पार्ट उसी पर आने वाला है, जाकर के चेक कर लेना, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो के लाइक्स का एम रखेंगे हम 11,000, तो उसको पूरा करा देना। और बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे भाई BMW कहां है, तो भाई मैं इसको लेकर के आ गया। एक नंबर गाड़ी है भाई, सारे फीचर्स इसमें, लगभग सिर्फ 2-3 फीचर्स को छोड़ के। पानी पे चलती है, टक्कर मार के दूसरी कार को खत्म कर देती है। और इसकी स्पीड भाई 550 से ऊपर, बहुत ही तगड़ी स्पीड है, कमाल की कार है। तो भाई मैं डेविड के पास पहुंचता हूँ। ओके, तो भाई मेरी डेविड से बात हो चुकी है। ये कह रहा है ठीक है मैं बॉडीगार्ड्स पूछा दूंगा ट्रेवर के पास, बट यार इसके पास फिलहाल ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है, सारे के सारे काम पे लगे हुए। 3-4 ही बॉडीगार्ड फ्री थे, तो मैंने भाई जितने थे मैंने सारे के सारे ले लिए। थोड़ी देर में ट्रेवर के पास पहुंच जाएंगे उसको सिक्योरिटी देने के लिए। भाई ट्रेवर के पास बंदे पहुंच चुके हैं, देखो फिलहाल 3 बॉडीगार्ड आए भाई, यही फ्री थे। चलो कोई बात नहीं, आगे और भी ज्यादा मंगा लेंगे, ये इनकी कार है, इसी कार में बैठ के भी निकलते। चलो आओ मेरे भाई, फटाफट से चलो यार, अभी बॉडीगार्ड रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि भाई ये लोग बताते कि डेविड के बॉडीगार्ड सबसे तगड़े होते हैं हमारे शहर में, तो हमने भी ले लिए भाई। वैसे देखने में लगते तो नहीं है ये, कुछ कर सकते हैं, चलो आगे पता चल जाएगा भाई, अभी देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई बाबा के पास, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बाबा ही कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो बाबा के पास पहुंचता हूँ भाई, मैं बाबा के पास पहुंच चुका हूँ। आ जाओ चाचा, हो सारे के सारे बाहर निकल जाओ, गाड़ी में मत बैठना बिल्कुल भी। तो बाबा जी बड़ा परेशान हूँ, जल्दी से बता दो ये काला कंपनी कौन है, मेरे को मारना चाहते हैं सारे के सारे बंदे मिलके। ऊपर से मैं अभी कमिश्नर भी नहीं रहा, आपको पता ही होगा न्यूज पर। यार बाबा न्यूज कैसे देखेंगे, यहाँ पे खबर कौन देने वाला है। वैसे यार बाबा को सब पता रहता है, फिर भी पता करता हूँ इनसे कौन है काला कंपनी। ओके यार, बाबा के पास जब भी आता हूँ ना तो कुछ ना कुछ तो बताते जरूर है। अब ये पता नहीं किसके बारे में बताते हैं, बट बताते जरूर है। अभी मेरे को है कि गनर नाम के बंदे को ढूंढ लो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वाह भैया वाह, अब ये गनर कौन है? एक काम करता हूँ, माइकल को फोन करता हूँ। माइकल भैया, क्योंकि यार मैं शहर के अंदर नहीं जा सकता और इधर उधर भी ज्यादा नहीं घूम सकता, अगर पुलिस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए माइकल को बोलता हूँ। माइकल मेरे भाई, बाबा ने बताया कि कोई गनर नाम का बंदा है जो काला कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है, जल्दी से उसके बारे में पता लगा भाई कौन बंदा है। ओके, तो गाइस ट्रेवर ने सारी बातें बता दी माइकल को फोन करके। तो अभी माइकल चाचा फ्रैंकलिन को फोन करेंगे, अकेले नहीं जाने वाले यार, अकेले बोर हो जाएंगे। फ्रैंकलिन बेटे आ जा फटाफट से। भाई फ्रैंकलिन आ चुका है और फ्रैंकलिन को पता है गनर नाम का बंदा कहाँ पे मिलने वाला है, मतलब इसने पहले गनर का नाम सुन के रखा हुआ है। तो अभी ये माइकल को एक जगह पे ले जाने वाला है और वहाँ पे शायद से भाई गनर मिल जाए या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। तो भाई पे जाके बात करते हैं भाई बंदों से। यार कमाल है, फ्रैंकलिन तो आज काम आ गया, इसको पता कैसे चलता है, इसके कॉन्टैक्ट्स आजकल अच्छे होते यार। भाई हम लोग जगह पे आ चुके हैं, फ्रैंकलिन बोल रहा है सामने जो फैक्ट्री सी बनी हुई ना, यहीं पर वो बंदा रहता है, मतलब यहाँ पे उसने अपना ऑफिस बना के रखा हुआ है, उल्टे सीधे काम करता होगा। मुझे पता है भाई जितने बंदे हमारे शहर में 90% बंदे जो उल्टे सीधे काम करते हैं ड्रग्स का काम करते हैं सारे के सारे बंदे। ओ भाई सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे लगा के रखे हुए हैं, अगर इसने कुछ पंगा किया ना तो मैं इसको बहुत फेलने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगा फ्रैंकलिन, जल्दी बता मेरे भाई। अरे कैसे डर रहा है मेरे प्यारे टकले, नहीं मार रहा मैं तेरे को अभी यार, अंदर शायद से कार नहीं जा पाएगी। आ जा बेटे आ जा, पैदल चलते हैं, बॉस से मिलकर के आते हैं, कहाँ पे मिलने वाला है बॉस। और चाचा जी की हाल चाल? ओ भाई साहब बहुत सारी कार खड़ी करके रखी है बंदे ने भाई, वो भी बुलेट प्रूफ। कहाँ पर है बॉस, बॉस कहाँ पर है? ओहो ये है बॉस, इतना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है मेरे को लग रहा है भाई, ये बंदा शरीफ नहीं है। अरे भाई फ्रैंकलिन बात कर ले इससे आगे, नहीं तो मैं बहुत पहनने वाला हूँ, जल्दी आ जा। तो गाइस मुझे लगा ही था बंदे से बात हो चुकी है, पूरा एटीट्यूड है, कह रहा है पूरे शहर में सभी की मदद कर दूंगा, तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा जी हमारी मदद आप नहीं करोगे, अरे आपका तो फूफा भी करेगा, रुक जाओ अभी। आ जा भाई फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ जा, आ जा इसका बनाता हूँ अभी नेता में। सबसे पहले इसको मत मारियो, रहा बिल्कुल भी कभी इसको गोली मार दे, ये बाकी इसके चीलों को मार, ये खुद ही सेंटर में आ जाएगा। तो भाई ये फटाफट से इनको मारते हैं। यार तू बड़ा परेशान है भाई, तू बड़ा परेशान है, ये ले आया मतलब। ओ मेरे भाई, ओहो हो चाचा भाइयों को गोली मारी, भाइयों को मारी तो तुम्हें दर्द हो गया, ये ले बेटे कहाँ है बोस? ओह भाई बड़ा दमदार बोस है, गोली चला रहा है हम पे। ओ मैंने सोचा था भाग जाएगा भाई, बट इसमें तो बड़ा ही दम है। कोई बात नहीं बेटे, चला चला गोली चला। अबे इसको मत मार दिया फ्रैंकलिन गलती से भी भाई, अगर उसको गोली लगी ना गड़बड़ जाएगी। ये ले बेटे तू भी ले, ये ले बाद में इसकी सारी गाड़ियों को भी खत्म करके जाऊंगा। कमाल यार कितनी सारी बुलेट प्रूफ गाड़ी इसने खड़ी करके रखी हुई है। ये ले बेटे कैसे परेशान है टक्कल, ये ले तू भी ले। ओके आप भी ले लीजिए एक गोली, आप भी ले लीजिए, पीछे एक बंदा खड़ा है एक और लो। भाई ये बंदा देखो कितने प्यार से बैठ गया, अब भी तो आई भाई तेरी अकड़ नीचे, इतनी अकड़ थी भाई, नहीं तो बोल रहा सबको बता दूंगा तुम्हें नहीं बताऊंगा क्यों भैया, हमारे अंदर कांटे लगे हुए चुभते हैं तेरे को।
कमाल के बंदे यार, देखो समझ में नहीं आती। चल फटाफट से बता, गनर मेरे को कहाँ मिलेगा? फ्री में तूने अपने सारे चेले मरवा दिए, कमाल है यार तू, जल्दी बता। तो भाई जी इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिए, आ जा भाई फ्रैंकलिन, इस तरफ आ जा, इसका तो मैं नेता बनाऊंगा, इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई मैं, इसने बड़ा दुखी करा। निकाल भाई निकाल, एलियन गन निकाल, आ जा इस तरफ आ जा, उड़ जाएगा नहीं तो फिर मुझे बोलेगा बाद में, बता देता। ये ले बेटे यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी को मारेंगे पहले। कैसी लगी? हमको इन्फॉर्मेशन देने से मना करो तो भाई, यो इसकी तो एक ही भाई गोली में सारी गाड़ियां खत्म, सारे बंदे भी खत्म। ओ भाई साहब, चलो भाई चलो, इसका दी एंड हो गया। चलिए भाई अभी चलते गनर से मिलने के लिए और देखते गनर हमको क्या बताने वाला यार। उसके पास इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्योंकि बाबा ने भी उसी का नाम लिया था और ये भी बोल रहा था भाई कि बहुत ही तगड़ा बंदा है, उसको पूरे शहर की खबर है। आपको पता है पहले टेरी होता तो हमें बता देता, बट यार टेरी को तो ठोक दे इन सभी ने, कोई बात नहीं। चलो यार गनर के पास पहुंचते। ओके भाई ये गनर हमें मिल चुका है भाई, इसका जो बेस है ना जमीन के नीचे है। अब इसको हमने नीचे से ऊपर बुलाया, नीचे जाते टाइम खराब होता क्योंकि अभी यार टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो मेरे भाई जल्दी से बताए काला कंपनी कौन है। गाइस बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन इसने मेरे को दी है। गाइस मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूं जो को मेरे को गनर ने बताई है। आपको पता है कंपनी तो बहुत ही पुरानी है, तो मिस जूली ने कल हमको बता दिया था कि 1895 में कंपनी बनाई थी दो भाइयों ने मिलकर, ये मेरे को गनर ने बताया। एक का नाम एलन था और एक का नाम था एंड्रयू। तो भाई ये दोनों बंदों ने मिलकर बनाई है, एलन ने और एंड्रयू ने मिलकर इसको बनाई थी। फिलहाल दोनों मर चुके हैं, आपको पता ही मर ही गए होंगे भाई, कौन बच रहा है इतना लंबा, कोई नहीं जी पाता। तो अभी जो मेन बॉस है भाई उसका नाम है विलियम्स। तो विलियम्स जो है मेन बॉस है फिलहाल इस कंपनी को जो हैंडल कर रहा है, और भाई इनका एक ही मोटिव है पूरी दुनिया पे राज करना है। जिस भी शहर में जाते हैं वहां पे जो मेन बंदे होते हैं, जैसे शहर में हम मेन बंदे, हमारी सबसे ज्यादा पावर है, इसलिए भाई ये उसने हमसे पंगा लिया। पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है क्योंकि हम सबसे ज्यादा पावर वाले हैं, हमारे शहर में चलती है, इसलिए हम रास्ते का काटा है, इसलिए वो हमें मारना चाहता है बस, और कुछ नहीं है। उसका मेन मोटिव है पूरे शहर पे राज करना और पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल जमाना। मतलब कंपनी कमाल की सोच है यार, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। ठीक है हम करवाते हैं राज, अब की बार वो गलत बंदों से भिड़ गया भाई आकर के। तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने प्यारे ट्रेवर को कि ट्रेवर मेरे भैया तो ये इन्फॉर्मेशन है काला कंपनी का, ये मोटिव है, तो अब जो तुझे करना है जल्दी कर, प्लानिंग बना फटाफट से। तो भाई माइकल ने ट्रेवर को सारी बातें बता दी और ट्रेवर ने अभी अभी चोर को फोन करके कह दिया कि भाई कहीं से भी जा और अर्नोल्ड की बैटरी लेकर के आ। इसका मतलब आप समझ रहे हो आज ट्रेवर अर्नोल्ड को स्टार्ट करेगा, क्योंकि अर्नोल्ड ही एक ऐसा बंदा है जो आज इसको बचा सकता है, नहीं तो काला कंपनी वाले इसको ठोक देंगे। तो भाई थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं चोर को बैटरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे मिल जाएगी उसके पास पहुंचते हैं और उसको मैंने फोन भी कर दिया, तो गैरेज में जाके अर्नोल्ड को उठा के लेकर आ जाइयो, क्योंकि अर्नोल्ड भाई वहां पे पड़ा हुआ है। जब तक उसमें बैटरी नहीं लगेगी वो तो भाई वैसे ही कचरा ही मान के चलो। अब तो देखते हैं भाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस चोर को बैटरी मिल गई यार, कितने कमाल के कॉन्टेक्ट है, मैं उसको पहले ही बोल देता था, वो पहले मेरे अरेंजमेंट करा देता बैटरी की, कोई बात नहीं। अभी उसको मिल चुके हैं और अर्नोल्ड वो गैरेज से लेकर के आ गया है। अभी उसने मेरे को अपनी लोकेशन शेयर की है कि कहां पर वो है और वो अर्नोल्ड बैटरी फिट कर रहा है। तो इसका मतलब यार जब तक वहां पे पहुंचूंगा ना अर्नोल्ड मेरे को स्टार्ट ही मिलने वाला है। तो भाई जगह पे पहुंचता हूं और एक बॉडीगार्ड को लात मार के भगाता हूं, क्योंकि भाई गाड़ी में चार ही बंदे बैठ सकते हैं, तो एक टकले को भगा देता हूं और अर्नोल्ड को अपने साथ लेकर घूमूंगा। वैसे तो भाई किसी की जरूरत ही नहीं है, फ्री में भीड़ करके रखी है, अर्नोल्ड अकेला काफी है। तो पहुंचता हूं भाई ये जगह पे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, देखो भाई कैसी जगह बुलाया है मेरे को, यहां कचरा पड़ा हुआ है, प्लेन पड़े हुए टूटे फूटे। अरे मेरे भाई चोर, इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी क्या तेरे को? चलो भाई ढूंढता हूं उसको। भाई ये चोर ने कमाल कर दिया, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा भाई, काफी दिन हो गए अर्नोल्ड को देखे हुए। अर्नोल्ड चाचा की हाल चाल, बैटरी अच्छी मिला है चोरी, जुगाड़ू बैटरी कभी दो चार घंटे में खत्म हो जाए भाई, दो चार दिन तक का बैकअप हो बस, ऐसा कर दे क्योंकि दो चार दिन के अंदर अंदर हम खत्म कर दें काला को। भाई कह रहा है कि चल जाएगी बैटरी अच्छी सी है। ठीक है भाई कौन सा निकलने वाला टीम में से? निकलो निकलो, और टकले तू निकल, और टकले को रहने दो, टकलो से मजे लेंगे, इसको भगाते यार, ये भी टकला ही है, इसको भगाते हैं, और तू निकल भाई तू जा। तो गाइस बहुत ही बड़ी खुशखबरी, अभी माइकल का मेरे पास फोन आया है। माइकल को काला कंपनी के बॉस विलियम्स ने फोन किया था, वो माइकल से मिलना चाहता है, एक मीटिंग करना चाहता है। ओ भाई साहब कैसे भी वो मीटिंग कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, कोई चाल हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भी एक प्लान बनाएंगे उसको खत्म करने का, उस मीटिंग से वो जिंदा बच के वापस नहीं जाने वाला। तो मेरे चोर तुझसे कुछ चीजों का अरेंजमेंट कराना, फटाफट से सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो भाई यो प्लानिंग आपको बाद में बताऊंगा, अगर अभी बता दिया तो सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अर्नोल्ड चलो प्लानिंग करते हैं। तो भाई जिंदा बच के नहीं जाने वाला काला कंपनी का बॉस। वैसे मुझे लगता है ना वो पता क्यों आ रहा है, वो शायद से माइकल को मारने डराने आ रहा है कि प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दो नहीं तो मार देंगे, ऐसी बात करेगा। तो भाई अभी प्लानिंग करते हैं। ओके गाइस पूरा एक दिन बीत चुका है और हमारी प्लानिंग भी तैयार हो चुकी है और मीटिंग आज शाम को होने वाली है। तो अभी थोड़ा टाइम है, 3-4 घंटे हैं हमारे पास, जैसे ही माइकल का फोन आएगा अपने प्लान को भाई स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस माइकल का फोन आया, थोड़ा सा चेंज है, बंदा अभी मिलने के लिए माइकल के पास पहुंच चुका है, मतलब कि काला कंपनी का बॉस रास्ते में है, माइकल के पास जाने लग रहा है। तो माइकल ने मेरे को एक बहुत ही अच्छी खबर दी है, माइकल ने मेरे को बताया कि जहां पर काला कंपनी का बंदा रहता था, मतलब बॉस रहता था,
तो माइकल ने उस जगह पता लगा लिया है। माइकल ने मेरे को बोला है कि ट्रेवर सबसे पहले जा, तू उसके सारे बंदों को वहां पे जाकर के मार दे ताकि उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाए, उस घर पे कब्जा कर ले, इसको धीरे धीरे मारेंगे ताकि बॉस अकेला रह जाए। बॉस तो निकल चुका है अपने कुछ बंदों के साथ उससे मिलने के लिए, और जहां पे वो ठहरा हुआ था वहां पे मैं जाता हूं, उन बंदों को खत्म करता हूं। ओके मेरे टकलो तैयार, तो पहुंचते भाई जगह पे। तो भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, इसी जगह के बारे में मेरे को माइकल ने बताया। भाई देखो मेन गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ, इसका मतलब यही घर है। ऊपर देखो हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यही घर है। बंदा तो पैसे वाला मेरे को लगता है। ओ भाई साहब बहुत सारे गार्ड्स खड़े करके रखे हुए, अंदर गाड़ियां भी है, इसका मतलब सामान वगैरह पैसे गोल्ड वगैरह भी होंगे बंदे के पास। पैसे तो होते ही आपको पता ही है भाई, पैसे तो पता नहीं उस डायमंड माफिया के पास कितने। ओ बेटे ले मार भाई मार, छोड़ना मत किसी का भी, और आज मैं भी देखूंगा पैसे वसूल भी होते हैं नहीं होते, पैसे खराब ही जाते हैं। ले बेटे टकले तू भी बोल ले, बेटे तू भी ले, कहां पे छुप के खड़ा हुआ है, सभी को मारो, गाड़ियों को तो बाद में उड़ाएंगे, कहां भाग रहा है। अरे बड़ा डरपोक बॉडीगार्ड रखो तो। अरे भाई भाई बहुत ही बंदे, बहुत ही बड़ा घर है। ले बेटे ले ठोक दे, छोड़ना मत किसी को भी। ले बेटे तू भी ले, बुलेट प्रूफ कार है, क्यों अपना टाइम खराब करो। हेलीकॉप्टर कैसे खड़ा ऊपर, तगड़े वाला हेलीकॉप्टर भाई, नॉर्मल वाला भी नहीं फाइटर वाला। ले बेटे ले ले ले, एक और बंदा छत पे खड़ा हुआ है। ले बेटे तू भी ले, और कोई बंदा है। ओहो एक बंदा छत पर भी खड़ा हो गया, मेरे ऊपर गोली चला रहा है। ले बेटे आप भी ले लीजिए, ये ले बेटे तुम भी लो। बहुत ही बढ़िया, सभी बेटे मर गए। यार बेटे तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, दो तीन बेटे इधर है। मार अर्नोल्ड मार दे, छोड़ना मत किसी को भी, खत्म कर दे। और भाई पीछे बैठे वाले टकलो अबे तुम भी कुछ कर लो भाई, $4,500 लेते हैं एक दिन का। ये ले बेटे ये ले, ओ ले 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 ले, अरे मेरे टकले को उतार के बाहर निकाला। अरे टकले को मारता है, बाहर निकाल दिया मेरे टकले को। ओ टकला मर जाएगा, ऐसे मत कर भाई, ऐसे मत कर, मेरे टकला मर जाएगा, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। ओ भाई टकले में तो बड़ी जान है, फिर से गाड़ी में बैठ गया। अबे यार कमाल का बंदा है, अबे किसी का मार ले डरपोक। ये ले बेटे ले बेटे तू भी ले, और कोई बेटा है। अरे यार बहुत बेटे, ले बेटे तू भी ले, गाड़ी का कवर लेके बैठा एक बेटा तो। अबे बाहर आ जा बे, ये ले बेटे, आया मजा आया मजा। ओके भाई चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से आ गया। ये ले बेटे तू भी ले। ओके एक लास्ट बंदा बचा है, इसको कौन मारेगा भाई, जो मारेगा उसको ₹10 इनाम। मारो 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 मारो, अरे मार दे भाई। अबे टकले मारना, ₹10 चाहिए तेरे को, हम ही मारेंगे, इनके बस में नहीं है कुछ भी, तो ₹10 भाई हम खुद ही रख लेंगे। ये ले बेटे आया मजा, मरा नहीं मरा, ऐसा लगता है मरा नहीं है अभी बंदा, शायद से गिर गया। अबे कौन अंधा है ये, अबे अर्नोल्ड तेरी आंखें सही नहीं हुई क्या भाई अभी तक, कहाँ पे गोली चला रहा देखो तो सही। ओके तो मेरे भाइयों लगभग सारे बंदे मैंने ढेर कर दिए, तो जाने से पहले मेरे प्यारे भाइयों आ जा भाई जल्दी से निकाल एलियन गन, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ये लो मेरे बेटो, ये लो आया मजा। आय हाय 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 हाय, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओ भाई एक गोली में सब खत्म, सच में भाई ये कमाल की चीज है, आपको आरपीजी निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक गोली चलाओ बंदे तो बंदे भाई, गाड़ियां भी नहीं बचती। ओके भाई ये तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, माइकल ही कॉल का वेट करते हैं। ओके तो भाई ये बंदा आ चुका है माइकल से मिलने के लिए, देखो तो सही, प्राइवेट मीटिंग करवाई है, पूरा एयरपोर्ट को खाली करवाया है। और भाई यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे आपको पता है प्रेसिडेंट का एक अलग से सीक्रेट ऑफिस है, वहीं पे मीटिंग करने की इसने बात बोली है, तो चलो भाई ये इसको वहीं पे लेकर चलते हैं। और भाई काला कंपनी जी की हालचाल है, अभी इसको लेके चलता हूँ भाई। यहाँ पे मेरा गार्ड एक भी नहीं है, सारे के सारे इसी के गार्ड है, कितने सारे बंदों को लेकर के आए। चाचा आपका तो इलाज कर देंगे, मैं ड्राइवर को भाई अभी मैसेज नहीं करूंगा, नहीं तो देख लेगा। चलो चाचा जी कौन सी गाड़ी में आपको लेकर के चलू, चलो सामने वाली गाड़ी में भाई इसको लेकर के चलता हूँ ऑफिस के अंदर। ओके आ जाओ, तो भाई हमारे प्यारे चाचा गाड़ी में आ गए हैं। ओ भाई गाड़ियां भी सारी ब्लड प्रूफ है। बेटे विलियम्स तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो ऑफिस में चलते हैं। अबे गंजे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी बैक कर रहा हूँ मैं, हट जा साइड में, हद मचा रहा है भाई साहब ऐसे खड़ा हुआ है। ओके हमें रास्ता तो छोड़ देते, ऐसा मन कर रहा है यहीं पे एक गोली मारूं तेरे को, यहीं पे काम खत्म करूं, बट भाई इसको आराम से नहीं मारेंगे, अभी आपको पता है ना कैमरे से रिकॉर्डिंग भी करनी है इसकी, भाई ट्रेवर को इनोसेंट साबित करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। चलो भाई ऑफिस में लेके चलता हूँ, और हाँ अभी ट्रेवर को मैसेज करता हूँ फटाफट से, ट्रेवर मेरे भाई आ जा जल्दी से एयरपोर्ट पे, बंदे के सारे बंदे खड़े हुए हैं, तू बाहर इनको मार और मैं अंदर इसको कोपचे में लेता हूँ जब तक अकेला भाई इसको ले जाकर, अभी फिलहाल ये अकेला है और कितने प्यार से मेरे साथ आ गया है, इसको ले जाता हूँ ऑफिस में और जब तक बाहर ड्राइवर सभी बंदों को मार देगा। ओके भाई ये मैं सीक्रेट ऑफिस में लेकर के आ चुका हूँ बंदे को, हट जा चाचा कैसे परेशान हो, इतनी बड़ी गाड़ी दिख रही है, आ जाओ भाई जी आ जाओ, आराम से बैठ के चाय पानी पीते हैं, ऊपर नाश्ते में क्या लोगे बताओ, आ जाओ। इस ऑफिस को भाई आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, इस ऑफिस पर हम मीटिंग करने के लिए आए थे भाई ऑफिसर भाई के साथ, बट हमें क्या पता था वो हमें ऑफर देंगे कि प्रेसिडेंट बन जाओ, तब मैं यहाँ पे आया था, और ये बहुत ही सीक्रेट ऑफिस आपको पता है। भाई ये माइकल का मैसेज ट्रेवर के पास आ चुका है, अभी सभी बंदों का एंड करते जा करके। ओके भाई ये जगह पे आ चुका हूँ, देखो देखो कैसे खड़े हुए हैं। अरे रे रे, अरे तुम्हारे मालिक को तो हम अंदर ठोकने वाले मेरे भाइयों, तुम्हें यहाँ पीटेंगे। मार भाई मार अर्नोल्ड, छोड़ियो किसी को मत, नहीं गोली चला कर दे सभी का इलाज। अरे भाग गए डरपोक, अबे गन नहीं लाए देखा तुम। ओ बेटे चाचा मुझसे लड़ना चाहते हैं। अरे रे रे, ये तो बड़े डरपोक बंदे निकले। अरे निकाल 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 मिनी गन निकाल, जो जो भाग रहा सभी को पेल, छोड़ना किसी को नहीं है, पेल दे सभी को। ये ले तू भी ले बेटे, गोली चला रहा हम पे। ये ले बेटे तू भी ले, अरे गाड़ी पे लट गई भाई,
भाई क्या पावर है मिनी गन की, देखो तो सही गाड़ी को भाई दो टायर्स पे कर दिया। वाह भाई वाह, बहुत ही तगड़ी। आ जा बेटे, पुलिस वाले कहाँ जा रही है? अरे सॉरी डरपोक बॉडीगार्ड थे। अरे भाई बड़ी घटिया टीम लेकर के आया था काला वाले, भाई तेरे बंदे इतने घटिया होंगे मैंने सोचा नहीं था। ओ भाई साहब ये बड़ा दमदार लग रहा है, तुझे बड़ी जवानी आ रही है चाचा, तुझे बड़ी जवानी आ रही है। ले रोड ने ठोक दिया मेरे से पहले ही। ले बेटे तुम्हारी गाड़ियों को मैं खत्म कर दूंगा, नुकसान करेंगे भाई, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ओ भाई ये ले बेटे तू भी ले, ले बेटे तू भी ले। आया मजा? आया आया, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा यार इसको मजा। ओके भाई तो ये भी खत्म, बहुत ही बढ़िया। सभी बंदे यार भाग गए यार बंदे। ओह एक बंदे ने सामने से गोली चलाई, ले बेटे एक और ले, मरा एक सामने खड़ा, ले बेटे तू भी ले। तो भाई ये भी बंदे खत्म। अरे यार मैंने सोचा था भाई, जो तो सोचा था वो तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो तो सही यार कुछ भी बंदे नहीं है यहाँ पर, तो कमाल है। चल भाई अभी अर्नोल्ड बंदे तो सारे भाग गए दुम दबा के, बड़े डरपोक थे। ये लो बेटा गाड़ी, हाय 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 क्या हो गया, कमाल कमाल कमाल। ये ले भाई एक और ले, ये बहुत ही कमाल की चीज है भाइयों। माइकल को मैसेज कर देता हूँ कि माइकल दादा बाहर की सिचुएशन कंट्रोल में है, अंदर बंदे से जल्दी से गवाही ले ले और उसको खत्म कर दे, दो गोली मार के टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कर। ओके तो भाइयों ट्रेवर का फोन आ चुका है, अभी इस बंदे को फिट करता हूँ, बहुत अपनी पावर की शो ऑफ कर रहा था मेरे को। अच्छा बेटे बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तेरे को बनाता हूँ नेटा, यही बैठ जा चुपचाप, अभी तो ऐसा बहुत काम कराने, हमसे पंगा लिया काला कंपनी, अभी तेरे को बनाता हूँ। मिस्टर काला कंपनी जी फटाफट से लैपटॉप उठाइए, उसका कैमरा ऑन कीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिए कि जो रोबरी कल करी थी वो आपने और आपके बंदों ने करवाई थी, ड्राइवर को उसमें कुछ लेना देना नहीं है, फटाफट से सारी बातें बता दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। भाई पिक्चर बना दी इसने तो सच में, हंस रहा है खड़ा हो गया, बिल्कुल भी डर नहीं रहा, और पता क्या बोल रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जो प्लान बना सकते हो, अब मेरा प्लान सुनो। और पता है इसने मेरे को क्या बताया कि तुम क्या सोचते हो मैं असली विलियम्स हूँ? भाई साहब कांड कर दिया, ये असली विलियम्स नहीं है, उसका हम शक्ल मतलब कॉपी बना के उसने भेजा है, उसको पहले से ही पता था, हमने प्लानिंग बना के रखी हुई है। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा निकला, अभी असली वाला बंदा कहाँ है भाई, इसको पीट के और इससे पूछ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि असली बंदा है ही नहीं। बंदा खेल गया भाई, तगड़ी खेल गया, हमने तो इतनी मेहनत करी सारे काम करे और देखा तो बाद में हाथ लगा डुप्लीकेट। अबे मेरे भाई असली कहाँ है जल्दी बता दे मेरे को फटाफट से। भाई ये कह रहा है असली वाला आ रहा है मतलब कि यहीं पे आ रहा है। चलो भाई वेट करते हैं, कब आएगा मेरे भाई बोल। भाई ये बंदा आ चुका है यार, कमाल है, इसके पास तो बुगाटियां हुई मेरे जैसी, महंगा बंदा है काला वाला बंदा। अरे भाई ट्रेवर भी तो भारी था और ये दुश्मन भी आ गया। ट्रेवर मेरे भाई बच के जरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओ भाई साहब ट्रेवर सामने खड़ा, अभी क्या करने वाला है? ट्रेवर तो सुट्टे मार रहा है भाई और अर्नोल्ड इसके पास खड़ा है बेचारा, उसको क्या पता है तो मशीन है वो सुट्टे मार नहीं सकता, और ये वेट कर रहा है माइकल के मैसेज का, कब अंदर से मैसेज आए और ये अंदर जा करके हमला करे। बट मेरे भाई ट्रेवर मुझे तो नहीं लगता तू आज बच पाएगा, मिनी गन इसके हाथ में और तू नियत था, अभी गड़बड़ होने वाली है ट्रेवर मेरे भाई। ओके भाई साहब ट्रेवर को मार दिया उसने। ओ भाई अर्नोल्ड भी खत्म यार, बट अर्नोल्ड कैसे मर सकता है मेरी बात समझ में नहीं आई। अरे भाई साहब ओहो ड्राइवर का तो एंड कर दिया यार इसने। अरे कौन है यार तू काला कंपनी, बड़ा खतरनाक बंदा है भाई, इसका प्लान वैसे कमाल निकला। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई इसको भी क्या होगा। बट मुझे एक बात समझ भी नहीं आई, ड्राइवर मरा तो मरा, ये कैसे मर गया? अबे मेरे भाई अर्नोल्ड तू क्या था, लगता है भाई बैटरी वगैरह हिल गई होगी, इसकी बैटरी में दम नहीं था। तो भाई यो इसने तो हमारे ट्रेवर भाई को मार दिया है, अभी माइकल वहाँ ऊपर खतरे में और माइकल को पता चल ही गया है, ट्रेवर को पता नहीं था कि वो फेक है ये असली वाला था। चलो यार अभी ऊपर जाने वाला है, देखते हैं क्या करेगा, माइकल बच पाएगा इससे नहीं बच पाएगा। भाई यो बॉस पहुंच चुका है माइकल जहाँ पे ठहरा हुआ है। ओ भाई ये माइकल को भी नहीं छोड़ेगा मुझे तो ऐसा लगता है। मेरे भैया ऐसा मत कर यार, वैसे कॉल का बॉस ही पकड़ा है देखो तो सही, बिल्कुल भी डर नहीं ना, कैसे भाग रहे हो? अबे कोई तो मारो इसको, सारे के सारे भाग रहे हैं डरपोक डरपोक। ओ भाई साहब ये आया था बेचारा मुझे मारने के लिए, अबे कहाँ निकल लियो कहाँ निकल लियो बेटे, कुछ नहीं कर पाओगे बेटे, तुम मरा नहीं अभी। अबे मिनी गन, ओहो अरे कहाँ है गन, कहाँ है तुम्हारी, हाथों से मारोगे इसको? मिनी गन लेकर के आ रहा है भाई, तो बहुत मारने वाला है। माइकल बेटे निकल ले, कूद जा ऊपर से कूद जा, पैर टूटेंगे पर बच तो जाएगा ना, कभी ट्रेवर की जगह तू भी मारा जाए। हेले बेटे हेले, जैसे ट्रेवर के ऊपर काले बादल छाई रहे थे मुझे तो लग ही रहा था ट्रेवर मरने वाला है। हेलो बेटो हेलो बेटो, आज माइकल भी मरने वाला दिख लिया मेरे को। हेले बेटे हेलो बेटे तू भी ले, माइकल दादा आ रहा है अंदर की तरह, भाग जा मेरे भाई, आज ये माइकल ही मरने वाला, सिक्योरिटी ज्यादा लेकर के आ जाओ। भाई साहब माइकल दादा तुस्सी तो गए, चलो माइकल दादा हाथ उठा लो हाथ उठा लो, नीचे बैठ जाओ, प्रेसिडेंट बनना है तुम्हें, नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और भाई डुप्लीकेट की हाल चाल यार, घूमने में दम तो बहुत ही।
ज्यादा क्या मस्त प्लानिंग करी थी, इसको शक था पूरा और भाई इसका शक यकीन में निकल गया कि माइकल वगैरह ने प्लानिंग करके रखी होगी। ये तो सबसे ज्यादा बड़ा प्लानर निकला, कमाल कर दिया इसने तो। भाई अब ये माइकल से डिमांड कर रहा है कि फटाफट से अपना रिजाइन दो प्रेसिडेंट की गद्दी से और ये प्रेसिडेंट बनना चाहता है शहर का। और तो ये प्लान था भाई ये बंदे का, यहाँ पे आके माइकल को रिजाइन दिलवाना था, इसको मतलब प्रेसिडेंट की गद्दी से हटाने का वाला प्लान था। तो फिर ट्रेवर को क्यों ठोका तूने, बेटे तू तो गया, चल भाई माइकल साइन कर दे फटाफट पेपर पर अगर जिंदगी चाहिए तो। चल बेटे हाथ उठा ले, हाथ उठा ले आराम से, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। चल बेटे तू भी उठा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। अरे माइकल दादा खड़े हो जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ गया मैं। तो भाई अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार ट्रेवर को तो इसने बाहर मार दिया फिर एकदम से कैसे वापस आ गया। भाई यही तो है सस्पेंस, भाई यही तो प्लानिंग मैंने करी थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा था आपसे कि भाई प्लान बनाते हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो भाई हमें इस बंदे में पहले से शक था, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, काला कंपनी 1895 से चल रही है, तो कुछ तो दिमाग होगा बंदे में। तो इसने सेटअप बनाया, तो हमने भी भाई ट्रेवर का और अर्नोल्ड का डुप्लीकेट पहने बना लिया था। जब ट्रेवर ने सारे बंदों को बाहर पे मारा था तो ये आराम से जाकर के बैठ गया था और वहां पे डुप्लीकेट खड़े कर देते। इसको शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और शक यकीन में बदल गया, असली बंदा ये नहीं था, ये वाला असली बंदा था। मैसेज कर दिया था माइकल ने कि बेटे खिसक ले, मेरे साथ गड़बड़ हो गई है, वहां पे डुप्लीकेट को खड़ा कर, असली मालिक जब आएगा तू बाद में आना। तो ये टोटल प्लानिंग थी, समझ रहे हो भाई। वहां से भी ट्रेवर हट गया था, वहां पे डुप्लीकेट खड़ा करा और ये आया, इसने डुप्लीकेट्स को मारे और ट्रेवर इसके पीछे आ गया। अच्छा बेटे हमें रिजाइन करवाएगा तू, बेटे जब तुम पैदा हुए थे ना तो ट्रेवर ने ना ऐसे प्लान करके छोड़ दिए। पता है तुम्हें कितनी साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई है, शादी नहीं हुई वो अलग बात है, बट 50 साल का हो गया है हमारा कवारा ट्रेवर। देखो तो सही कमाल यार, कि शादी भी नहीं हो गई तेरी, ऐसे ऐसे बंदे आए थे नए नए। तो अभी भाइयों इससे पता करता हूँ, हाँ वो डुप्लीकेट कहाँ है, डुप्लीकेट को पेलता हूँ सबसे पहले तो। हाँ बेटे डुप्लीकेट, तुझे बड़ा शौक चढ़ रहा है डुप्लीकेट ही करने का, हमसे पंगा। विलियम चाचा सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हारे बचे हुए बंदे और कहाँ पर है शहर में, क्योंकि यार इसके सारे बंदों को खत्म करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेटे जल्दी से बताओ कहाँ पर आपके बचे हुए बंदे। भाइयों इसने हमें एक दो जगह बताई है, मैं फ्रैंकलिन को फोन करता हूँ और जाके वो देखेगा वहाँ पे बंदे है, अगर हुए तो मार देगा फटाफट से। फ्रैंकलिन भैया तुम्हें कुछ जगह पे जाना, जल्दी पहुंचो और बंदों को खत्म करो, अगर नहीं मिले वहाँ पे बंदे तो हमें बताना, हम इसको पेलेंगे। भाई ये फ्रैंकलिन दादा हमारी जगह पर पहुंच चुके हो, मेरे भाई दो तीन गार्ड बाहर खड़े हुए। ले बेटे ले ले ले, और कितने बंदे अंदर? ओ भाई साहब अंदर बहुत ही सारे बंदे। अरे मेरे भाइयों कैसे है, क्या हालचाल, क्या कर रहे हो अपने मालिक के लिए यहाँ पे तुम खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे शायद से। तो इनका ऑर्डर नहीं मिला होगा बेचारों को मालिक का। अबे मालिक का ऑर्डर तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, ड्राइवर चाचा उसको फोड़ देंगे। ओ मेरे भाइयों अबे शर्म नहीं आती। अरे आंटी जी आप क्या कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती, गोली चलाती हो। ये ले बेटे, ये ले बेटे, ये ले बेटे, ये ले ये ले। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब तुम्हारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दूंगा। बेटे हमसे पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था तुम्हारे काला कंपनी को। बेटे कई ओवर में जाकर कब्जा कर लेता, हमारे शहर में नहीं आना चाहिए था उसको, फंड में अपनी जान देने वाला है वो थोड़ी देर में। तो भाई ट्रेवर ने दूसरी जगह मेरे को बता दिया, चलो दूसरे वाले अड्डे पे पहुंचता हूँ। वहां पे भाई एक बहुत ही स्पेशल चीज मिलने वाली है, उस अड्डे पे इस वाले मतलब काला कंपनी के बंदे ने डायमंड्स रखे हुए हैं भाई, वहां पे हमें डायमंड्स मिलने वाले हैं अभी बहुत सारे। तो जाकर के चेक करते हैं भाई कहाँ पे डायमंड्स रखे हैं। गाइस मैं जगह पे पहुंच चुका हूँ, अभी देखते हैं बंदे यहाँ पे मेरे को कितने मिलेंगे और डायमंड्स कहाँ पे मिलेंगे। सही और डायमंड्स तो बहुत ही महंगे होते हैं, मजा आने वाला। मेरे भाइयों कहाँ पर मेरे को डायमंड मिलेंगे? अरे मांझा गोली मत चला दियो, कमर तोड़ दूंगा बेटे पीट पीट के। ओ भाई साहब मानेंगे नहीं बंदे, अरे मानेंगे नहीं, मैं तो मानेंगे नहीं। गाड़ी नहीं देख रहे मेरी, तुम गाड़ी देख लो भाई साहब, निकल ले पतली गली से, मैं नहीं चाहता तेरे को मारूं। अंदर कोई है क्या मेरे भाई? अरे कोई है क्या? फटाफट से बोलो बोलो बोलो, कोई है, किसी को गोली खानी है क्या मेरे भाई? बोलो बोलो। ओ भाई साहब इतने आराम से मिल जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था भाई, कितने सारे बैग से इनमें डायमंड्स, कमाल है कमाल है कमाल है। एक काम करता हूँ, BMW को भाई लेस्टर के बंदे आकर के ले जाएंगे, लेस्टर को फोन करता हूँ। लेस्टर भैया मैं एक जगह भेज रहा हूँ आपको, वहाँ पे हमारी BMW खड़ी है, उसको तुम लेकर के चले जाओ और भाई मैं ट्रक लेकर के आता हूँ, इन सारे बैग्स को ट्रक में भर के तभी लेकर के जाऊँ, क्योंकि आपको देख लो भाई ऐसे में जा ही नहीं सकता, गाड़ी में नहीं आने वाले, बहुत ही सारे बैग्स है, बहुत ही सारा डायमंड है, मजा आने वाला है। भाई ये सारे बैग्स मैंने ट्रक में लोड कर दिए, फटाफट से इनको कहाँ पे लेकर के जाऊँ? लेस्टर के पास लेकर के चलता हूँ, लेस्टर इनको आराम से संभाल के रख लेगा अपनी फैक्ट्री में, वहाँ पर जाता हूँ उसको दे देता हूँ। चाचा जी फटाफट से बताओ टाइम मशीन कहाँ पे रखी हुई सारी की सारी, जल्दी बताओ जल्दी, नहीं तो यहीं पे दो गोली मारूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भाई इसने टाइम मशीन के बारे में मेरे को बता दिया, फटाफट से फ्रैंकलिन भैया टाइम मशीन भी जा करके चेक कर और बता मेरे को है या नहीं है। भाई मैंने ट्रक को खड़ा कर दिया, अभी मैं यहां से निकलता हूं क्योंकि ट्रेवर का मेरे पास फोन आया, अभी मेरे को दूसरी जगह पे जाना है
वहाँ पे भाई टाइम मशीन मेरे को मिलने वाली है, उससे टाइम मशीन के बारे में भाई हमने पता लगा लिया है, तो जल्दी से पहुँचता हूँ फटाफट से। भाइयों मैं जगह पे पहुँच चुका हूँ, बंदे का पता नहीं कैसा गैरेज है भाई, नीचे देखो फ्लोर भी कैसे कलर का है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोनों टाइम मशीन मिल गई है, बट यार ये कार वाली टाइम मशीन मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे यार इसके तो पार्ट्स मिसिंग है शायद से। भाई साहब आप लोग देखो 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 पीछे यार इसके बहुत सारा सामान था, नहीं अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। बंदे ने सामान तो नहीं निकाल लिया? अरे यार अब इसके सामान ढूंढने पड़ेंगे, इसको रिपेयर करनी पड़ेगी। देखो कुछ ज़्यादा ही धुआं दे रही है, तो ये टाइम मशीन मुझे लगता है ख़राब हो गई है। फिलहाल ये वाली तो काम कर दी नहीं है क्योंकि इसके सामान निकाल के इसी में डाले गए थे। फिर भी मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ ड्राइवर को, ड्राइवर मेरे भाई टाइम मशीन मेरे को दोनों मिल गई है, बंदे को आराम से ठोकते कोई दिक्कत नहीं। भाइयों अभी हमें सब कुछ मिल चुका है, टाइम मशीन भी मिल गई है, सारे सामान भी वापस आ गए हैं। ये बंदे को खत्म करते हैं और काला कंपनी का दी एंड करते हैं। माइकल मेरे भैया करते हैं काम शुरू। तो मेरे प्यारे मुन्ना कोई आखिरी ख्वाहिश जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। भाई बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, कह रहा है कि मुझे मार देगा तो कभी तू जिंदगी में बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद जो स्टार्ट होगा ना वो तूने कभी सोचा नहीं होगा। ट्रेवर मेरे भाई आएंगे और बदला लेंगे। पता नहीं भाई ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे आ जाने दे भाई, हमारे पास ही बहुत सारे अमरेशपुरी सर है, सभी को मार देंगे, टेंशन मत ले। तेरे करण अर्जुन आ जाएंगे ना, तू हमको बता दियो ठीक है मेरे भाई। तो फिलहाल अभी तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला। ये ले बेटे, ये ले बेटे, बहुत परेशान किया है तूने मेरे को, है बहुत ही ज्यादा परेशान किया है भाई। सोच के देखो अगर मैं डुप्लीकेट का सेटअप नहीं करता तो ये बंदा ट्रेवर का एंड कर देता। कितने आराम से टाइम मशीन ले गया, कितने आराम से सारे काम कर रहा था। हैं बेटे, हैं बेटे, हैं बेटे, ये ले बेटे। तो भाइयों एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसको पहले ही मार दिया, इससे रिकॉर्डिंग वगैरह क्यों नहीं कराई। मान नहीं रहा था बंदा, बोल रहा था कुछ भी कर लो नहीं बताने वाला रिकॉर्डिंग। तो यार उसका सेटअप कुछ हम खुद ही कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली, हमें कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएंगे। यार ऐसा कुछ नहीं है, हमारा शहर है, हम प्रेसिडेंट है, हम कुछ ना कुछ जनता को बता देंगे कि इस बंदे ने सारा का सारा काम करा था, दोबारा ड्राइवर को जुगाड़ करके कमिश्नर बना ही देंगे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, आप लोग बता रहे आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी प्लानिंग कैसी लगी और बताना जरूर मेरे भाई। तो बस मेरे भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पर सेट कर दो। भाई अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, शाम को वीडियो उसी पर आने वाली, नहीं तो आपका पार्ट मिस हो जाएगा। भाई अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।